फिर हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कभी कभी भावना इस कदर बढ़ जाती है कि कई जिंदगियों को खराब कर चुकी होती है। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम बता दें, ये एक फ्रॉड वैवाहिक जीवन से संबंधित है, जिसमें एक व्यक्ति पर आरोप लगा है कि उसने तीन तीन महिलाओं के लड़कियों के साथ शादी कर उनकी जीवन को बर्बाद किया और फिर चौथी शादी करने को जा रहा था। हम बात कर रहे हैं आपको घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के ही एक ऐसे गांव के रहने वाले बसंत झा से, जिसके पिता त्रिलोकीनाथ झा हैं। और पहले हम बात करें, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हैं अभी ये, और ये बता दें कि जीसा दादू हैं। जीसा जी, आपका स्वागत है। जीसा जी, आपका स्वागत है। जीसा जी, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लगातार एक संबंध बनाने का प्रयास कर रहे थे एक ऐसे व्यक्ति से जो ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता है, और आप खुद क्रिश्चियन समाज से हैं, आप पढ़ी लिखी भी हैं, बीए एलएलबी हैं, और आप टाटा एआईजी में आप जॉब भी करती हैं, आपके फादर भी अच्छे पोस्ट पर अच्छे सरकारी जॉब में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या परिस्थिति आई सर? ये परिस्थिति ये थी कि मेरे हस्बैंड बसंत कुमार झा और मैं, हम दोनों एक रिलेशन के थ्रू मिले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड है उनके चाचा हरिनाथ झा हैं, तो उनके जो बहन साली के जो पति हैं जिनका नाम उमेश है, वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, तो उनके थ्रू हम लोग मिले थे, क्योंकि ये भी लॉ कर रहे थे और मैं भी लॉ कर रही थी, तो हम लोग अलग अलग कॉलेजेस में थे बट यूनिवर्सिटी हमारी सेम थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी थी एडमिशन को लेके, तो तब हम लोग कॉन्टैक्ट में आए थे, तो तब से मैंने इनको जाना। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से हमारी कंटिन्यू बात होती रही, तो फिर ये हुआ कि इन्होंने मुझे सारी प्रॉब्लम्स बताते थे कि मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ये, तो इनकी फैमिली वालों से भी मेरी बातचीत होती थी, जिसमें कि उनके मम्मी पापा त्रिलोकनाथ झा, उनकी मम्मी का नाम है उग्रतारा देवी, चाचा हरिनाथ झा, उनकी चाची हैं कमला ध्यानी, इन सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छे से होती थी, ये लोग सब मेरे बारे में जानते थे, और इन लोगों से मेरा सर जो किस गांव के हैं ये लोग, कहाँ रहने वाले हैं, जो उनकी मम्मी हैं उग्रतारा देवी, ये लोग कोर्थू में रहते हैं, और जो हरिनाथ झा हैं और उनकी पत्नी या कमला ध्यानी जी हैं, ये लोग गाजियाबाद वसुंधरा में रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए जो जिशा जी, कि एक लड़की का कैरियर और एक लड़की का एक आकर्षण होता है, उसका एक थॉट होता है कि वो ऐसी जगह शादी करेगी जिससे उसका आगे का पारिवारिक जीवन सुख में बीते, और आपने अपने माता पिता से एक विरोध करते हुए आपने लड़ाई लड़ करके आपने किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जिसके साथ आप लिव इन रिलेशन में भी शायद रह रही थी, उसके बाद आपने शादी की, तो ये जो हुआ आप पिता से अलग होकर के फिर आपने शादी की, ये कौन सी परिस्थिति आ गई थी, क्या कहा था? रिलेशनशिप की ये बात गलत है, मैं बसंत झा के संग कभी भी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, मैंने बसंत झा के संग शादी करके रही हूँ, जबकि उनकी फैमिली मुझे ये बोलती थी कि आप लोग शादी अभी मत कीजिए, बहुत सारे कारण मुझे वो लोग बोलते थे कि हम आपकी शादी कराएंगे अपनी मर्जी से, अपने पेरेंट्स को मनाइए, बट मैंने ये सब नहीं किया कभी भी, और जब इन लोगों ने सिचुएशन मेरे लिए ऐसे बना दिया कि मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, एक कॉन्स्पिरेसी मेरे संग ऐसी क्रिएट की गई कि एक तरफ मुझे ये इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था कि मैं मर जाऊंगा अगर मेरे से शादी नहीं करोगे, दूसरी तरफ मेरी फैमिली को इनके चाचा चाची सबको ही भड़का रहा था कि आपकी बेटी हमारे बेटे को फंसा रही है, बहुत सारे मेरे ऊपर गंदे गंदे इन लोगों ने एलिगेशंस लगाए हैं, बट लास्टली जब इन लोगों ने यहाँ तक मुझे बोल दिया कि अगर हमारा बेटा मर गया तो हम आपको कभी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेंगे, हम आप पे केस कर देंगे, बहुत कुछ मुझे बोला गया था, और वो सब एक ड्रामा था सर, कि सिर्फ मैं इनसे शादी कर लूँ किसी तरीके से। और
तो आपने शादी की, एक चीज हम क्लियर करना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये बहुत टिपिकल मामला है और कानूनी केस से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि इसमें प्रीत पक्ष भी कानूनी है, आपने बी एल एल बी किया है और जिस पर आरोप लगे वो भी एल एल बी कर चुके हैं, भले वो काम कर रहे हो ना कर रहे हो या आप उस प्रैक्टिस कर रही हो ना, लेकिन एल एल बी स्टूडेंट है, कानूनी पेज तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरे से एक चीज बता दें कि ये इससे पहले आरजू झाप की नाम की एक लड़की से शादी कर चुके थे जिनकी दो बेटियां भी हैं। क्या जीशु जी, क्या मामला है? मुझे ये बोला गया था कि हम लोगों का समाज बैठा है और समाज ने सब कुछ हमें अलग कर दिया है। वो आरजू झा के फैमिली आए थे और इनके फैमिली मेंबर्स ने सबने ये मैटर को ख़त्म कर दिया है, बट मेरी शादी के बाद मुझे पता चला है कि कोई मैटर ख़त्म नहीं हुआ। इवन बसंत झा ने फॉरेन में भी शादी की हुई थी, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में रहने वाली लड़की से इन्होंने, इनके चाचा चाची ने मिल के शादी करवाया था, जो जिसका नाम है लक्ष्मी महाराज। जब मेरी शादी के एक हफ्ते हुए थे तभी मेरे पास लक्ष्मी महाराज का कॉल आया और वो मुझे बहुत गंदा गंदा बोलने लग गई, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैटर हुआ क्या है। जब मैंने इनकी फैमिली से पूछने की कोशिश करी तो इन्होंने बोला नहीं, वो ऐसी पागल लड़की है, पीछे पड़ गई है। जब मैंने अपने हस्बैंड से इस बात पे बोला कि ये मुझे गाली दे रही है, ये बोल रही है कि आप इसके हस्बैंड हो, तो आप क्यों ये सब क्यों बोल रही है, वो उसको मैंने बोला कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कि अगर आपके हस्बैंड है ये, तो बोली नहीं मैं आप पे केस करूंगी, मैं ये करूंगी, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। तो उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने फॉरेन में भी शादी करी है और वहाँ पे भी एक लड़की को धोखा दिया है, जिसके कारण मैं बसंत झा और इनकी फैमिली के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होने लग गए थे, क्योंकि एक साथ मुझे इतना चीज़ें पता चल गई थी कि जो चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि एक तरफ मुझे। लेकिन कैसे ये हो पाया जीशु जी, आप जिस लड़की के साथ एक साल रही हैं, आपने उसको इस बात के लिए रीड नहीं किया कि ये लड़का पहले तो शादी कर चुका है और इसकी मंशा क्या है, क्या वो आपके साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहता है, क्या वो अपने शारीरिक शोषण के लिए या फिर आपसे आर्थिक शोषण के लिए किस तरह से रखना नहीं चाहता सर, है? ये आपने अध्ययन नहीं किया क्या? मुझे आज भी यकीन नहीं होता जब मैं मिली थी उससे कि वो इंसान ऐसा हो सकता है कि आज वो मुझे भी धमकी दे रहा है, सबको धमकियां दे रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अगर लड़का गलत है, मेरे पति गलत हैं, तो इनके तो पेरेंट्स भी मेरे से ऐसे बात करते थे कि मुझे लगता था कि नहीं, ये लोग बहुत संस्कारी है, ये लोग गलत नहीं कर सकते। इवन उसके चाचा जी हरिनाथ झा, वो लोग मेरे से इतने अच्छे से बात करते थे, मिलते थे उसकी चाची से, कमला दयानी जी से मैं मिली हुई हूँ, वो लोग भी कहती थी कि नहीं हमारे परिवार आपको एक्सेप्ट करता है, पसंद करते हैं, शादी कीजिए, ये सब है, नई जिंदगी शुरू कीजिए। मेरे से किसी ने नहीं बताया मुझे कि इन्होंने, दोनों चाचा चाची ने मिलके, इनके पेरेंट्स ने मिलके इनकी शादी बाहर भी करवाई है। जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मुझे सच्चाई का पता चल रहा है कि इन्होंने किसी भी औरत को कभी तलाक ही नहीं दिया और कभी उन लोगों को भी पैसा ठगा है उनसे, जैसे मेरे से पैसा ठगा गया है। अच्छा एक चीज़ जीशु जी, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम अपने तमाम दर्शकों को इस बात की जानकारी दे दें कि ये मामला पूरी तरह फ्रॉड का है। फ्रॉड का इसलिए भी हम कर सकते हैं, क्या ब्राह्मण समाज इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि उनका लड़का शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए या तीसरी शादी के लिए वो मुस्लिम धर्म को अपना रहा है और मुस्लिम धर्म को बजाते कागज पर उसने अपना करके फिर उसने कन्वर्सन किया और फिर जाकर के जो क्रिश्चियन समाज की लड़की है जीशु दादी उससे शादी की है जीशु, ये क्या मामला है, कैसे वो ये मुस्लिम धर्म अपना है, क्या हुआ था कन्वर्सन में? तब उस समय ये हुआ था कि 28 फरवरी 2018 में जब मैंने घर छोड़ा तो मुझे बोला गया कि हम लिविंग रिलेशन में रहते हैं, बट ये चीज मुझे शुरू से ही, मैंने कभी एग्री नहीं की, इस चीज़ का कभी समर्थन नहीं दिया। मैंने उनको बोला आप शादी करोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो मुझे नहीं रहना है। तब उन्होंने बोला अभी मंदिर का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली मिलके शादी करे, तो ऐसा करते हैं हम अभी मॉमडन तरीके से, एक एग्रीमेंट करना था मुझे, एक पेपर पे बनवाना था चीज़ें कि हाँ मैं एक मैरिज के थ्रू इनके साथ रह रही हूँ। तो इन्होंने मुझे एक मॉमडन, इन्होंने एक रिलीजन को अपनाया और वो रिलीजन मैंने, मुझे भी कन्वर्ट इन्होंने करवा के, और हमारी एक चैम्बर के अंदर वो एक डॉक्यूमेंट पे
नहीं तो उसमें ये चीज क्लियर कीजिए थोड़ा सा दर्शकों के सामने कि आपके शादी से पहले वो हिंदू धर्म के थे या मुस्लिम धर्म अपनाए थे? शादी के बाद अपना मुस्लिम धर्म अपनाया था। ठीक है सर जी। अच्छा आपसे मुस्लिम धर्म अपना के तब आपसे शादी किया? मेरी शादी हिंदू रीति रिवाज से आर्य समाज मंदिर 30,000 के अंदर हुई थी। तो फिर वो क्या मुस्लिम से फिर हिंदू का वो किया कन्वर्जन क्या हुआ? कन्वर्जन मेरा हुआ था क्योंकि मेरे नाम से ही सबको पता लगता था कि मैं ईसाई हूँ और उसी रीजन से मेरा कन्वर्जन हुआ था। और दोनों सर्टिफिकेट्स पर उन्होंने अपने आप को अनमैरिड शो किया हुआ है। अच्छा तो फिर क्या हुआ कि आपने आर्य समाज के साथ में शादी के लिए हिंदू रीति रिवाज से, क्या आप अपने ससुराल के लोगों से परिचित थे? क्या ससुराल के लोग इस बात को जानते थे कि ये जो बसंत जी है वो तीसरी शादी कर रहे हैं? पेरेंट्स को सब कुछ पता था। सॉरी, इनके पेरेंट्स को सब कुछ पता था, इनके चाचा चाची को सब कुछ पता था, लेकिन जो इनके कजन्स ब्रदर हैं उनको इतना नहीं पता थी चीजें। इन्होंने गाँव में भी किसी को नहीं बताया हुआ था कि मेरे से शादी हुई है। गांव में भी एक साल से सबको ये पता है कि इनकी शादी नहीं हुई है, ये अनमैरिड है। तो हम बता रहे तमाम दर्शकों को मिथिलांचल की धरती पर भी इस तरह के केसेस आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बाहर जाकर के कई शादियां रचाकर फिर वापस घर आते हैं और गांव में कहते हैं कि उनकी शादियां नहीं हुई, कुंवारे हैं और चौथी शादी करते हैं। यह शायद आप लोगों की नजर में पहला ऐसा मुद्दा होगा। हम इस बात को इसलिए प्रमुखता से उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति बसंत झा जो ब्राह्मण समाज का रहने वाला है, उसने एक ब्राह्मण समाज की विधिवत तरीके से एक लड़की से शादी की जिसमें पूरे बारात गए थे, पूरे परिवार के साथ दान दहेज का भी बात हुआ। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया, उसकी दो लड़कियां भी हैं। उसके बाद उसने विदेश में रहने वाली एक लड़की से, लक्ष्मी महाराज जिसका नाम है, उससे शादी कर ली। फिर उसके बाद ईसाई धर्म अपनाने वाली जीसु दादी से उसको इसी क्रम में पढ़ाई के क्रम में जान पहचान हुआ और उससे भी उसने शादी कर ली आर्य समाज की रीति से। ये चीज कहा जा रहा है उसके द्वारा कि आपसे भी तलाक हो गया, जिस तरह वो पहले कर रहे हैं कि जो आर्य धर्म से तलाक हुआ फिर उसके आपसे भी तलाक हुआ, क्या मामला है? क्या आपसे तलाक हो चुका है? फैक्ट्स को वो एक वकील होके और वो फैक्ट्स को ये मैनिपुलेट कर रहे हैं कि मेरे से तलाक हुआ है। और मैं बताना चाहूंगी कि हम दोनों का जब लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ गए थे कि मुझे जब सब सच्चाई सामने आने लगी, मेरे संग जब मार पिटाई ये करने लगे दहेज को लेके कि अपने मम्मी पापा से बात करवाओ, नहीं करवाओगी तो हम आपको छोड़ देंगे, कहीं और शादी करेंगे। इसके मम्मी पापा भी बार बार कि मम्मी पापा से बात करो कि तुम्हारे पापा, तुम एक लौते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद जब ये चीज़ टॉर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था फिजिकली मेंटली, तो उसके बाद मैंने इनको बोला ठीक है मुझे नहीं रहना है, मैं आपको से अलग होना चाहती हूँ। तो वो इनकी भी कंसेंट थी कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। तो साकेत कोर्ट के अंदर मेरा फर्स्ट मोशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा फर्स्ट मोशन हुआ था, जिसमें कि ये होता है कि अगर आप 6 महीने तक साथ रह के आप सोच सकते हो कि आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है तो ठीक है, अगर आपको अलग ही होना है तो 6 महीने के बाद आप फिर से सेकेंड मोशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट 1 साल तक हमारा सेकेंड मोशन अप्लाई हुआ ही नहीं है। 1 साल तक भी हम लोग संग रहे हैं, गांव से इनका आना जाना मेरे घर पे लगा रहता था कंटिन्यूसली। उसके बाद इन्होंने बोला मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अलग नहीं होना है। इवन अभी भी इस 2021 में भी 5 मार्च को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और हम दोनों ने साथ में मिलके सेलिब्रेट करी है। तो तलाक का तो मतलब ही नहीं बनता। वो जो सबको ये बात झूठ बोल रहे हैं, चाहे प्रशासन पुलिस में हो, चाहे आप महिला थाने में हो कि मेरा तलाक हो गया है, अगर तलाक हुआ है तो आप डिक्री ऑर्डर सेंड कीजिए। जो तो चलिए हम बताते हैं, हम आपको एक स्टोरी भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं और हम इसके पीछे की असली कहानी क्या, असली सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक।